नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ योगिता। स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बोल्ड स्काई में। कहा जाता है कि अपनी दिनचर्या में जितना पैदल चलेंगे उतना ज्यादा शरीर स्वस्थ बना रहेगा। जरूरी नहीं कि सिर्फ वजन घटाने के लिए पैदल चला जाए, आप अपने मूड और एकाग्रता को बनाए रखने के लिए भी वॉक कर सकते हैं। बस हर दिन 15 मिनट के लिए टहलना आपको स्वस्थ बना सकता है, लेकिन पैदल चलना हर किसी के लिए इतना आसान नहीं होता। कुछ लोगों को पैदल चलने पर पीठ के ऊपरी हिस्से में दर्द होता है और ये समस्या महिलाओं में बेहद आम हो चुकी है। अक्सर इसके कारणों पर उनका ध्यान नहीं जाता और ये दर्द बीमारी का रूप ले लेता है। ऐसे में यहाँ हम आपको बताएंगे कि महिलाओं के पीठ के ऊपरी हिस्से में दर्द का क्या कारण हो सकता है। मांसपेशियों में थकान, पैदल चलते समय कमर दर्द की समस्या होना मोटे या ज्यादा वजन वाले लोगों में आम है। इसका कारण है शरीर में फैट का वितरण होना। ऐसे लोगों का निचला शरीर ज्यादा वजन सहन करता है और चलते समय उनके निचले हिस्से और ऊपरी हिस्से में दर्द शुरू हो जाता है। बहुत ज्यादा दबाव के कारण मांसपेशियां जरूरत से ज्यादा थक जाती हैं और उनमें दर्द होने लगता है। लंबे समय तक चलने या खड़े रहने पर भी मोटे लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है। ऐसे में मांसपेशियों में ढीलापन लाने के लिए एक्सरसाइज करना बेहद जरूरी है। ओवर स्ट्रेचिंग, मांसपेशियों की ओवर स्ट्रेचिंग भी इस दर्द के लिए जिम्मेदार है। गलत तरह से बॉडी को मूव करने से मांसपेशियों में मोच आ जाती है। मोच के कारण होने वाला दर्द भी सूजन, चोट, ऐठन के साथ होता है, जो काफी तकलीफ देने वाला होता है। खराब पोस्चर, घूमने या पैदल चलने से न केवल आप वजन कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि शरीर में होने वाली छोटी मोटी समस्या का ये बेहतरीन इलाज है। इसलिए वॉकिंग को अपने डेली रूटीन में शामिल करना बेहद जरूरी है। लेकिन हर एक्टिविटी की तरह वॉक करने का भी अपना तरीका होता है। गलत तरीके से गलत पोस्चर में घूमने या बैठने से भी पीठ के ऊपरी हिस्से में दर्द शुरू हो जाता है। आगे की तरफ झुकना, खराब पोस्चर और जीवन शैली की अन्य आदतें भी कमर के ऊपरी हिस्से का दर्द का कारण बन सकती हैं। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।